अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग, मेरे सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कीमे के समोसे बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप बना के पूरे रमज़ान के लिए फ्रीज कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जिन अज्जा का इस्तेमाल किया, उसमें लिया है मैंने कीमा बारीक 2 kg, बिल्कुल बारीक और रूखा कीमा है। इतना बारीक था कि मैंने इस बारीक झाली से इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब एक पतीली में मैं ये तमाम कीमा शामिल कर दूंगी। तो कीमे में सबसे पहले नमक शामिल करेंगे, तो नमक 2.5 टेबल स्पून जितना मैंने भर कर लिया है। अब इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे, तो जीरा लूंगी मैं 1.5 टेबल स्पून जितना भर कर। हल्दी शामिल करूंगी, हल्दी लूंगी 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर हम लेंगे यहाँ 2 टेबल स्पून जितना। अब हम कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अगर जो लोग हेल्थ इश्यू की वजह से या मैदे में किसी की तकलीफ की वजह से कुटी हुई मिर्ची इस्तेमाल नहीं करते, तो वो लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। लहसुन अदरक का फ्रेश मैंने पेस्ट लिया है मैक्सिमम 4 टेबल स्पून जितना। अब इन तमाम मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इस कीमे में किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल या घी ऐड नहीं करेंगे। कीमे को मिक्स करते हुए हमें चूल्हे पे पकाना है। जैसे ही कीमा पकाना शुरू करेंगे, इसके अंदर से पानी रिलीज होगा, जो कि बीफ या चिकन में एक अपना वाटर कंटेंट होता है, वो आपको रिलीज होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, ये इसी में कुक हो जाएगा, इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम कीमे को पकाएंगे तो इस तरह से कीमे में गुठलियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। यही वजह होती है कि जब कीमा भूनते हैं तो मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, इन गुठलियों को तोड़कर ख़त्म करना है, ताकि जब हम कीमे में हरा मसाला वगैरह खुशक होने के बाद मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से शामिल हो। मैक्सिमम 2 kg कीमे को भूनने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो यहाँ ये तमाम गुठलियाँ मैंने जो इसके अंदर बनी थी वो ख़त्म कर दी हैं, और अब चूल्हे की आंच को तेज़ करके पानी खुशक करना शुरू कर दिया है। जैसे ही कीमे का पानी खुशक हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर 1 teaspoon जितना गरम मसाला पाउडर शामिल कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे गरम मसाला पाउडर को, और कीमे को चूल्हे से उतार के ठंडा कर दें। तो कीमा यहाँ मुकम्मल ठंडा हो चुका है, तो इसके अंदर हरी प्याज के पत्ते शामिल करेंगे बारीक कटे हुए। तो ये 1/2 किलो हरी प्याज के पत्ते हैं। साथ ही में 1 गड्डी जितना मैंने छोटी हरा धनिया लिया है, 1/2 गड्डी पुदीना लिया है, ये भी कीमे के अंदर मैं शामिल कर दूंगी। इन तीनों चीज़ों को हम कीमे के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हरी प्याज पसंद नहीं करते तो 1/2 किलो जितनी घर की जो वाइट वाली प्याज होती है, बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं, जो हम सालन वगैरह में डालते हैं। तो पूरे रमज़ान के लिए एक ही साथ 2 किलो का कीमा बना के, समोसे बना के हम रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लई ले ली है, मैदे और पानी को मिक्स करके लई बना ली थी, वो ले ली है समोसों को स्टिक करने के लिए, और समोसा पट्टी ली है। अब समोसा पट्टी को हम सीधे हाथ से बनाएंगे, उल्टे हाथ की हथेली पर रखते हुए इस तरीके से कोन बना लेंगे पहले। तो ये जो हमने कोन बनाया है, इसके अंदर हम अच्छी तरह से बड़ी चम्मच से भरकर फिलिंग शामिल कर देंगे। बाजार में तो आपको पता है बहुत ही कम फिलिंग होती है। अब इसके कोने को साथ में हम प्रेस करते हुए, कि कोई हिस्सा खुला ना रह जाए वरना अंदर तेल भर जाएगा, और समोसों का शेप दे देंगे। बहुत ही आसानी से समोसे ये बन जाते हैं। और लई से हम इसको बंद कर लेंगे इस तरीके से। दूसरा समोसा भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी।
तो ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वैसे भी आम दिनों में समोसे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन रमज़ान में अगर घर के बने हुए समोसे हों तो उसकी तो बात ही अलग होती है, क्योंकि रोज़ों में मिर्च मसाला इंसान अपने टेस्ट के हिसाब से खाना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें रोज़ों में नहीं खाई जाती, क्योंकि उससे जलन वगैरह हो जाती है। तो घर में ये मज़ेदार समोसे तैयार करें, इससे आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी कि ये घर के बने हुए हैं और साफ़ सुथरे हैं। इसी तरह से मैं बाकी समोसे तमाम बना के रख लूँगी। तो यहाँ देखिए, इस रेसिपी में 90 समोसे माशाल्लाह से बन गए थे। ये समोसे मैंने अरेंज कर दिए इस तरह के बॉक्स में, एयरटाइट कंटेनर्स में इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं। अब मैं अपनी सहूलत के हिसाब से इसको और ज़रूरत के हिसाब से निकाल के फ्राई करूँगी। आप इसको जिप लॉक बैग में भी पैक कर सकते हैं, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अगर फ्रीज़र में आपके जगह है तो आप बॉक्सेस रख सकते हैं, अगर फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं है तो जिप लॉक बैग में भी इसको रख सकते हैं।